हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UPSC Info 24 में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये 2021 में जो PGT नागरिक शास्त्र का हुआ था उसी का पेपर है, हल प्रश्न है। इसमें आपका क्वेश्चन के बाद उसका व्याख्या भी दिया गया है। तो अगर फ्रेंड्स आप TGT और PGT या LT ग्रेड की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना संविदावादी विचारक की नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बी है लेवियाथन, और तीसरा नंबर है ऑन लिबर्टी, और चौथा है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो इसमें से कौन संविदावादी विचारकों की पुस्तक नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तीसरा नंबर ऑन लिबर्टी, ये संविदावादी विचारकों की पुस्तक नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन और टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ये पुस्तकें संविदावादी विचारकों की है। जो ऑन लिबर्टी है ये जॉन स्टुअर्ट की पुस्तक है, जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है। तो ये ध्यान रखेंगे। हम व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्याख्या आप वीडियो को रोककर आप व्याख्या को देख सकते हैं। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और सामाजिक चिंतक माने जाते हैं। संविदावादी विचारकों के कृतियों में टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट लॉक की पुस्तक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है, लेवियाथन टॉम्स हॉब्स की पुस्तक है। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने संगठित व सुरक्षित समाज में प्रविष्ट होने के लिए आपस में संविदा की थी। संविदावादी सिद्धांत या समझौता का सिद्धांत इसी को बोला जाता है। इसमें हॉब्स लॉक रूसो ने यह सिद्धांत दिया था। इसमें यह हुआ था कि कुछ लोगों ने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए एक समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति किया। ये आपका मुख्य तथ्य है। इसी को तीन विचारक है, हॉब्स लॉक रूसो, इन्होंने ही अलग अलग प्राकृतिक अवस्थाओं का जिक्र किया है। आगे देखिए क्वेश्चन दूसरा नंबर है फ्रेंड्स, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। ऑप्शन देखिए, टेरी, मैकफारलैंड, हर्बर्ट साइमन, रे ए किलियंस। तो कौन इसमें से आंसर सही हो जाएगा, आंसर फोर सही हो जाएगा, रे ए किलियंस ने कहा है निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। ये किसका कथन है, तो रे ए किलियंस, ये याद रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या है फ्रेंड्स नंबर दो क्वेश्चन का व्याख्या है, रे ए किलियंस निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की सरलतम विधि है। यह कथन रे ए किलियंस का है। इनके अनुसार निर्णय लेना एक काम करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प का चयन है। इनके अनुसार निर्णय लेना एक काम करने के लिए सबसे अच्छे विकल्प का चयन है। अगला क्वेश्चन है नंबर तीन, देखिए तीन क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है। तो कितने थे ये बताना है। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 12 15 अधिकरण है। आंसर भी आप यहाँ देख रहे हैं कितने हैं, 15। तो ये आंसर हो जाएगा 15। हम व्याख्या देखते हैं, व्याख्या देखिए फ्रेंड्स, कौटिल्य के अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था पर लिखा गया है। राज्य व्यवस्था पे, राजनीतिक व्यवस्था पे ये पुस्तक है, ठीक है। अर्थशास्त्र मतलब ये इकोनॉमिक से संबंधित नहीं अर्थशास्त्र है, ये राज्य व्यवस्था से संबंधित पुस्तक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस पुस्तक में मौर्य काल जो है, मौर्य शासन के बारे में पूरा जिक्र किया गया है। प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके अंतर्गत 15 अधिकरण है,
और 180 प्रकरण, इसमें 150 अध्याय के साथ कुल 6000 श्लोक है। ये संख्या आप याद रख लेंगे, 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है, 150 अध्याय है और श्लोकों की कुल संख्या 6000 के पास है। इसका रचना काल ठीक है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। यह संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। अर्थशास्त्र को उपदेशात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। उपदेशात्मक शैली में लिखा गया ग्रंथ माना जाता है अर्थशास्त्र को, जिसमें राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक और नैतिक उपदेशों को दिया गया है। अर्थशास्त्र में 5 विभाग एवं 3 दंड का उल्लेख है। 5 विभाग और 3 दंड का दोस्तों उल्लेख किया गया है। तो इसमें जो 5 विभाग हैं और जो दंड है उनका इसमें क्या किया गया है, जिक्र पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि विभाग कौन कौन से थे और दंड कौन कौन से थे। तो दंड में दोस्तों थे, दंड में 3 है, तो दंड में पहला नंबर था सुप्ररित, ये आपका था पहला नंबर ठीक है। और दूसरा नंबर था दंड में दुष्प्ररित, और आपका तीसरा नंबर था फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट पे था आपका अप्ररित, सुप्ररित, अप्ररित, दुष्प्ररित, ये क्या थे, दंड थे। इसके 3 दंड थे। और विभाग क्या क्या थे फ्रेंड्स, विभाग को जानते हैं। विभाग में थे उपभोग विभाग, उपभोग पहला नंबर, 5 इसमें बताया गया है, तो विभाग में उपभोग था, उत्पाद था, उत्पाद, और इसके बाद वितरण था फ्रेंड्स, वितरण, और इसके बाद था आपका नियम, नियम ठीक है, और आखिरी था आपका लोक वित्त, लोक वित्त क्या था फ्रेंड्स, लोक वित्त, लोक वित्त। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, लोक वित्त। तो इस तरह ये 5 जो थे विभाग थे और दंड थे 3, इनको आप याद रखेंगे, लिखे हैं उसको रोक कर आप क्या कर लें, लिख लें कहीं, नोट कर लें, अगर आपके पास नोट्स है तो कोई बात नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन 2021 का है फ्रेंड्स, 2021 का जो प्रश्न है, जो क्वेश्चन कराया गया है पीजीटी में जो आया है, उसी का सिविक्स का ये क्वेश्चन है। अगर आप एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आप हैं, अगर क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें, और चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। तो आगे चलते हैं, विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता ऑप्शन है, ऑप्शन बी है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है मतलब 4 है विश्वास की स्वतंत्रता। तो आंसर कौन हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता, ये हमारे क्या है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता के हमारे प्रस्तावना में जो है प्रियाम्बुल में कोई बात नहीं किया गया है कि आपको आर्थिक स्वतंत्रता दी जाएगी, लेकिन विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ठीक है, और विश्वास की स्वतंत्रता है, ये हमारे संविधान में है, उल्लेख है इसका, और सबका नहीं। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, आर्थिक स्वतंत्रता ये आंसर हो गया आपका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, यथा मतलब जैसे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। इसके साथ ही 3 प्रकार की न्याय जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार इस प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था प्रस्तावना को, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। आगे देखिए व्याख्या, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। कौन कौन शब्द जोड़े गए दोस्तों? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। यहाँ फिर ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें है, प्रस्तावना को के एम मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है। प्रस्तावना को के एम मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है। क्या कहा है? राजनीतिक कुंडली। ये आप याद रखेंगे कि राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, के एम मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहा है प्रस्तावना को, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, ठीक है, कि ये हमारे क्या है, संविधान की आत्मा है। तो इन क्वेश्चन को भी याद रखेंगे। अगला चलते हैं 5 नंबर। मार्क्सवादियों के अनुसार, जो मार्क्सवादी है उनके अनुसार एक कथन दिया गया है, उस पर विचार करिए। राज्य एक वर्गीय संरचना है, राज्य केवल श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य में संपूर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मार्क्सवादियों के अनुसार क्या है? राज्य एक वर्गीय संरचना है। ए वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक, पहला आंसर सही है। मार्क्सवादियों के अनुसार क्या है? राज्य एक वर्गीय संरचना है। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। राज्य एक वर्गीय संरचना है। मार्क्स का सामाजिक दर्शन वर्गीय संरचना पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मार्क्स का जो सामाजिक दर्शन है वो किस पे आधारित है? तो वर्गीय संरचना पर आधारित है। इस प्रकार मार्क्सवादियों ने राज्य को एक वर्गीय संरचना माना है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवादी उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी आर्थिक और भौतिक पहलुओं को सर्वाधिक महत्व देते हैं। मार्क्सवादी और नव मार्क्सवादी दोनों क्या है? आर्थिक और भौतिक पहलुओं पर सर्वाधिक महत्व देते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत का अध्ययन आर्थिक वर्ग पर आधारित है। इस प्रकार इस सिद्धांत का अध्ययन आर्थिक वर्ग पर क्या है? आधारित है फ्रेंड्स। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं है? ये आपको बताना है कि कौन अतिवादी नहीं है, ये बताना है। अतिवादी का मतलब जो है, इसमें दिया है गर्म और नरम दल, तो गर्म से संबंधित कौन है ये आपको बताना है, और नरम से संबंधित कौन है ये आपको बताना है। तो आपको बताना है वास्तव में अतिवादी मतलब कौन अतिवादी नहीं है, मतलब कौन गर्म का मिजाज का नहीं है, ये बताना है। तो आप देख रहे हैं लाला लाजपत राय, ठीक है, विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पे आप सुने होंगे लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये 3 लोग हैं जो गर्म दल से संबंधित है, अतिवादी हैं। तो इनमें से कौन हो जाएंगे? लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों क्या हैं? अतिवादी हैं। ये तीनों लोग अतिवादी हैं, तो ये हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। आंसर जो 4 है, गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी दल के थे, तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। व्याख्या, आंसर गोपाल कृष्ण गोखले हो गया। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल से जुड़े थे, जिन्होंने 1905 में पास के बनारस अधिवेशन में INC की अध्यक्षता की थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसी समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में व्यापक मतभेद हो गया, जो 1907 सूरत अधिवेशन में 2 गुटों में अलग हो गया। जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें क्या है, कांग्रेस 2 गुटों में विभक्त हो गया, एक गुट गर्म दल हो गया, एक गुट नरम दल हो गया। जो गर्म दल के नेता थे वो बाल पाल लाल जो थे वो थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये सब 3 थे। तो ये अलग हो गए और लोग अलग हो गए। ये वजह क्या थी सूरत अधिवेशन में अलग होने का? मेन था बहिष्कार को लेकर,
जो बंग बंग आंदोलन 1905 में हुआ, उसी को लेकर कि हाँ उसके आंदोलन को कैसे चलाया जाए, स्वदेशी आंदोलन को कैसे चलाया जाए, उसी विवाद को कि पूर्ण रूप से अंग्रेजों के कपड़ों का बहिष्कार किया जाए, ये आपके कहने वाले थे गर्म दल वाले, और नरम दल का अलग मानना था कि नहीं कुछ चीज़ों का बहिष्कार किया जाए। इसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ और क्या हुआ, कांग्रेस दो गुटों में विभक्त हो गई, उसमें कुर्सियाँ भी मेज भी तोड़े गए दोनों दलों के द्वारा, मतलब ज़्यादा हो गए और अलग हो गए, ठीक है। और इसका जब मिलान होता है 1916 वाले में, ठीक है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन होता है उसी में गरम और नरम दल एकजुट हो जाते हैं। तो इस ये आप ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। गरम दल का नेतृत्व लाल बाल पाल ने किया, ठीक है, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक विपिन चंद्र पाल ने किया, तथा नरम दल का प्रमुख नेताओं में दादाभाई नौरोजी, उमेंद्र चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले शामिल थे। तो ये नेताओं के नाम याद रखेंगे, ठीक है। नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था, ये संवैधानिक तरीकों से अपनी मांग रखते थे। गरमपंथी दल विचार एवं दृष्टिकोण नरमपंथी विचार दृष्टिकोण भिन्न भिन्न था, ठीक है। वह छोटे मोटे राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार नहीं अपितु स्वराज चाहता था। जो गरम दल वाले थे वो क्या करते थे, थोड़े मोड़े सुधार नहीं, पूर्ण रूप से वो स्वराज की मांग कर रहे थे। तिलक ने कहा था स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, ये कथन किसका है, स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। यहाँ से कई क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं अच्छे से वीडियो तो आपको परीक्षा में ज़्यादा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से उठ सकते हैं। इसलिए वीडियो को हम ज़्यादा ये नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, यहाँ से हमको समझना है और समझकर हमको जो टेट है, अरे टीजीटी है, टीजीटी और पीजीटी में बहुत कम सीट आई है, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज़ को पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा कोई नहीं जानता है। तो फ्रेंड इसका हमें क्या करना है, दिमाग में रख कर तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय की इतिहास के अंत के रूप में व्याख्याकित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है, किसने किया है ये आपको बताना है। एक पहला नंबर है समीर अमीन, दूसरा है डेविड हेल्ड, तीसरा है फ्रांसिस कुकोयामा, फिर चौथा है सैमुअल पी हंटिंगटन, ठीक है, सैमुअल पी हंटिंगटन इन्होंने किया है। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा, फ्रांसिस कुकोयामा ने किया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्याख्या में है फ्रांसिस कुकोयामा ने अपनी पुस्तक द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन किसकी पुस्तक है, फ्रांसिस कुकोयामा की पुस्तक का नाम है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इनकी पुस्तक में उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया गया है। यह पुस्तक 1992 में सोवियत रूस, जिसे सोवियत संघ, के विघटन के बाद प्रकाशित हुई। इसमें कहा गया है कि पूंजीवादी ही एकमात्र सत्य है और दुनिया के किसी समाजवादी रूप की कल्पना निहा अत्यंत मूर्खता का कार्य है। मतलब ये मान रहे हैं कि पूंजीवादी ये क्या है जो दुनिया को आगे ले जा सकती है और इसके बिना किसी चीज़ की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुत्तम आलोचक है। तो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुत्तम आलोचक कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, पहला नंबर है सर हेनरी मेन, दूसरा है हाब्स, तीसरा है बेदा और चौथा है लास्की। तो आंसर कौन हो जाएगा, पहला नंबर सही हो जाएगा, सर हेनरी मेन जो है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटुत्तम आलोचक हैं, सर हेनरी मेन। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स,
ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के अनुसार प्रभुत्व की आज्ञाकारिता आदत होनी चाहिए, आज्ञाकारिता निरंतरता होनी चाहिए। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभुता संपन्न राज्य का आदेश मात्र होता है, परंतु सर हेनरी मेन कानून का मुख्य स्रोत रीति रिवाज को मानते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के अनुसार प्रभुत्व की आज्ञाकारिता आदत होनी चाहिए या आज्ञाकारिता निरंतर होनी चाहिए। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु संपन्न राज्य का आदेश मात्र होता है, ये कानून को अच्छा मानते हैं, कानून को संप्रभुता संपन्न राज्य का आदेश मात्र होता है, परंतु हेनरी मेन जो है कानून का मुख्य स्रोत रीति रिवाज को मानते हैं। ठीक है, ये रीति रिवाज को मानते हैं और यहाँ पे ऑस्टिन अलग मानते हैं, दोनों के विचारों में क्या है अंतर है। और इन्होंने जो ऑस्टिन का संप्रभुता संपन्न जो इनका विचारधारा है उसका इन्होंने कटु आलोचना की है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का क्या करना है, चयन करना है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन है आगे देखिए, तो इनका जो आप मिलान करना है वो पहला नंबर सही हो जाएगा। तो आप वीडियो को थोड़ा रोक कर देख लीजिएगा, क्योंकि बड़ा हो जा रहा है तो दिखाने में दिक्कत हो जाएगा। ये आपका सही है, ए के हिसाब से मिलान कर लीजिएगा और जो होगा वो सही होगा आपका। ठीक है, ए के हिसाब से आपका मिलान सही हो जाएगा। ठीक है, तो ए का चौथा, ठीक है, मार गेथायु का चौथा यथार्थवादी संप्रदाय से, फिर बी का तीसरा से सही हो जाएगा, वर्नाल कोहेन का निर्णय निर्माण उपागम से, मार्टन काप लान का किससे हो जाएगा, पहला नंबर से हो जाएगा व्यवस्था सिद्धांत से, ई माइल वर्ड का खेल सिद्धांत से जुड़ जाएगा। इसको आप लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये सिद्धांत है, किसने दिया है तो ये मिलान करने को लिए दिया जा सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आगे आप इसकी व्याख्या देख लीजिए फ्रेंड्स। व्याख्या में मार्क के थाऊ एक यथार्थवादी राजनीतिक विचारक था जिसने यथार्थवाद के सह सिद्धांत क्या है इन्होंने बताए थे। इसमें कुछ है प्रमुख, मानव समाज राज्य शक्ति और समानता। ठीक है, मानव समाज राज्य शक्ति समानता और संप्रभुता क्या है इन्होंने दिया है। अगला है जो है क्वेश्चन 10 नंबर, देखिए इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वही बातें हैं जो ऊपर लिखा गया है। 10 नंबर देखिए, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ, कब हुआ था ये आपको बताना है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत हुआ ये बताना है। तो ऑप्शन ए है, 1 नंबर 1968 में, 1967 में, 1971 में, 1972 में। जो आंसर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा, 1968 में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्याख्या है, संसद में पहली बार वर्ष 1968 में अधिवक्ता शांति भूषण द्वारा जन लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसके चौथी लोकसभा में 1969 में पारित किया गया, जो राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। 1960 के दशक में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने पहली बार संसद में प्रस्तावित किया था। वर्तमान में लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ। यह एक संवैधानिक निकाय है, लोकपाल में एक अध्यक्ष एवं 8 सदस्यों का प्रावधान है। वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो था जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये पेपर है, जो पेपर मतलब 2021 में पेपर हुआ है पीजीटी प्रवक्ता का, उसी पेपर का ये 10 क्वेश्चन थे।
आगे दोस्तों इससे आगे और हम क्वेश्चन लाएंगे, 10 के अलावा क्वेश्चन लाएंगे, जिनका हल भी रहेगा और उसका व्याख्या भी रहेगा। इसलिए हम क्वेश्चन को अलग अलग पार्ट में ला रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराएं, जिससे कि आने वाले किसी भी आगामी एग्जाम में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को हल कर सकें। बिना प्रैक्टिस सेट के आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल नहीं सकते हैं, बिना क्वेश्चन देखे कोई एग्ज़ाम नहीं कर सकते हैं। आप लाख कोशिश कर लीजिए कि हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, नमस्कार।